Good morning, my dear students. Today, once again, the second lecture of articles. I have already delivered the one lecture upon the articles. This is second lecture, and this lecture will be very beneficial for you because, as usual, this I will teach you with the help of the chart. जैसे कि आपको मालूम है कि मैं चार्ट से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उससे आपको याद आ रहा है. जैसे मैंने टेनिस में भी चार्ट बनाया है, मॉरल ऑक्सिलरीज में भी चार्ट मैंने बनाया है, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी, नरेशन में भी. इसी तरह आज हम आर्टिकल पर पहले चार्ट बनाएंगे. चार्ट की मदद से आपको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल. आज चार्ट से हम पढ़ेंगे. आई होप दैट दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइबड द चैनल दे विल सब्सक्राइब हियर. एंड ऑल्सो आई नीड योर फीडबैक. वट एवर चेंजेस यू वॉन्ट टू चेंज इन माई टीचिंग वे आर इन माई मटेरियल आर एनीथिंग एल्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इट इज़ नोन टू यू दैट फॉर विच दिस चैनल इज प्रेस्क्राइब्ड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक. यस, आर्टिकल्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आर्टिकल्स डेफिनेशन आई हैव गिवन यू. स्टिल आई विल से यू द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स. द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एट द एंड एट द कंक्लूजन वी हैड कम टू दिस कंक्लूजन दैट दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. दैट इज ए एन एंड द आर दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स. यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, और ये तीन हैं, ए एन और द, या द को हम कभी कभी दि भी कहते हैं. वो मैंने आपको कहा कि जब ये वाउल से पहले आएंगे तो उस वक्त हम दे इसकी प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं. द आर्टिकल्स आर ऑफ टू काइंड्स. दे आर डेफिनेट आर्टिकल, ये हमने पढ़ा भी था पहले लेक्चर में, द और इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन. अब डेफिनेशन, द डेफिनिट आर्टिकल इज द कम्स बिफोर द काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर, countable nouns plural and uncountable nouns. यानी कि आपको यहाँ कहा देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द हैं ये किन किन के साथ इस्तेमाल होता है. एक तो ये होता है काउंटेबल नाउन्स अगर होंगे जिनको हम गिन सकते हैं, मिसाल के लिए वन बुक, टू बुक, वन पेन, या काउंटेबल मगर सिंगुलर, या काउंटेबल प्लूरल यानी कि सबके साथ एक या एक से ज़्यादा भी अगर होंगे मगर काउंटेबल, या अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते. मिसाल के लिए हम अगर आपके पास सैंड होगी हम इसको नहीं गिन सकते हैं, स्टार्स हैं हम इनको नहीं गिन सकते हैं, इनको अनकाउंटेबल कहते हैं. यानी कि आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल द हैं ये अनकाउंटेबल, काउंटेबल और क्या कहते हैं इसको प्लूरल सिंगुलर हर किसी के साथ इस्तेमाल होता है. ठीक, द डेफिनेट आर्टिकल द इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन एन कम्स बिफोर ओनली काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स. जो अब ए और एन है ये आपको याद रखना है कि ये खालिस इस्तेमाल होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ. मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा. द डेफिनिट आर्टिकल ए कम्स बिफोर ए काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड. ये हमने पहले से ही पढ़ा है कि जो ए इस्तेमाल होता है ये कॉन्सोनेंट्स के साथ इस्तेमाल होता है, मगर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ. ये यहाँ याद रखना है कंसेप्ट, फिर आपको मुश्किल होता है. अल्फ़ाबेट नहीं, मैंने आपको पढ़ाया है कि डिफरेंस क्या होती है अल्फ़ाबेट और साउंड में, तो यहाँ ये साउंड्स के साथ इस्तेमाल होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के. इसी तरह द इनडेफिनिट आर्टिकल एन कम्स बिफोर ए काउंटेबल स्टार्टिंग विद ए वावल साउंड. यानी कि एन इस्तेमाल होता है जहाँ वावल साउंड होंगी. अब हम थोड़ा रूल्स इसके पढ़ेंगे जल्दी से. द इनडेफिनिट आर्टिकल ए, ये मैंने आपको पहले ही कहा है, ये टेबल है, क्योंकि टेबल की वजह से आपको याद रहता है. वन सेकंड, यहाँ जूम नहीं होता है. हाँ, ये है रूल. द इनडेफिनिट आर्टिकल ए आर एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन. यानी कि ये वन के सेंस में इस्तेमाल होते हैं. मिसाल के लिए आई मेट ए सोल्जर. ए सोल्जर हियर मीन्स वन सोल्जर.
वन, यानी कि यहाँ ये एक दिखा रहा है, ए यहाँ दिखा रहा है एक, वन वन बींग ए पियन, दैट मीन्स वन पियन. द इंडिफिनिट आर्टिकल ए आर एन इज यूज टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास आ इन द सेंस ऑफ ऑल एनी, यानी कि कभी कभी जब हम ए इस्तेमाल करते हैं ये सब को दिखा रहा है. मिसाल के लिए ए सन शुड बी ओबिडेंट, यानी कि हर कोई बेटा अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होना चाहिए. यानी कि ए सन यहाँ एक ही बेटा नहीं है, यानी कि हर कोई बेटा. यहाँ ए ने दिखाया है ऑल सन्स. मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा. इसी तरह द इंडिफिनिट आर्टिकल ए आर एन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए प्रॉपर नाउन इनटू ए कॉमन नाउन. अगर हम ए या ए ए आर एन इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर नाउन के साथ, वो प्रॉपर नाउन को कन्वर्ट कर रहे हैं कॉमन नाउन में. आप कहेंगे सर आपके कहने का मतलब क्या है, मैं कहूँगा मिसाल के हम कहते हैं शी इज ए मदर टेरेसा, यानी कि वो नहीं है. आपको मालूम है जो मदर टेरेसा है उसकी डेथ कब की हो गई है. हम कहेंगे ही इज़ इकबाल, यानी कि हमारे ही इज़ डॉक्टर इकबाल. हमारे कहने का मतलब ये है कि उसमें डॉक्टर इकबाल क्वालिटी जैसे हैं, वो डॉक्टर इकबाल नहीं है. डॉक्टर इकबाल तो पर्टिकुलर एज था, उसकी डेथ हो गई है. अगर हम किसी को रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि उसमें वो क्वालिटीज होंगे तो उस वक्त हम ए इस्तेमाल करते हैं. समझ में आ रहा है? हाँ. इसी तरह द इंडिफिनिट आर्टिकल ए आर एन इज यूज्ड इन सर्टन एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशन होते हैं यानी कि वो इकट्ठे लिखना होता है, ये फ्रेजेस जैसे होते हैं. हम लिखते हैं ए हंड्रेड, सिंपल हंड्रेड हम नहीं लिख सकेंगे. ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए डजन, ए मिलियन, ए गुड डील ऑफ, हाफ ए डजन, ये फ्रेजेस जैसे होते हैं इकट्ठे. मैंने आपको इससे पहले भी फ्रेजेस भी पढ़ाए थे. और द इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन इज यूज इन इंस्टेड ऑफ सेंस वन, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, यानी कि ए आर एन वन ए की जगह हम इस्तेमाल इनको करते हैं. मिसाल ए बस मीनस वन बस, ए पेन मीनस एक कलम, ए मैन मीनस एक आदमी, ए गर्ल मीनस एक लड़की, ए टेबल मीनस एक मेज. मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा. वन सेकेंड. हाँ, नाउ आपको यहाँ समझ में आएगा इस टेबल से कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या फ़र्क होती है. पहले आपको याद रखना है जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो द होता है, द इस्तेमाल होता है, मैंने ये भी कहा है आपको, काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो. मिसाल के लिए अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा, आई बॉट द बुक, यानी कि वन बुक, ही बॉट द चेयर्स, यानी कि बहुत सारी. इसी तरह यानी कि यहाँ आपको मालूम है जो बुक हैं ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, जो ये चेयर्स हैं ये यहाँ काउंटेबल नाउन मतलब प्लूरल है. मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि जो द है ये अनकाउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होता है. मिसाल के लिए शी बॉट राइस, चावल आपको मालूम है हम गिन नहीं सकते हैं, एक एक करके हम कहाँ गिनेंगे, यानी कि राइस तो अनकाउंटेबल हैं, मतलब बहुत होता है वो, एक ठेले में बहुत होता है. अब है ए और एन, यानी कि ए जो होता है वो इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन मगर सिंगुलर, जो आपको मैंने पहले ही कहा सिंगुलर सिंगुलर के साथ, मगर उनकी साउंड होनी चाहिए कॉन्सोनेंट. मिसाल के शी हैज़ ए सिटिक, सिटिक यहाँ आपको मालूम ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर है और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. इसी तरह एन इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन मगर सिंगुलर, जो को मैंने पे लिखा मगर वो वावल होनी चाहिए. ही हैज़ एन अम्ब्रेला, एन हियर शोज वन, अम्ब्रेला आपको मालूम है ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर है और आपको मालूम है कि ये वावल साउंड ओ ओ ओ ओ, अगर आप देखेंगे वो मेरे जो आपको साउंड सिखाए हैं वो आप देख भी सकेंगे, वहाँ ओ अम्ब्रेला ओ. अब हैं और रूल्स, रूल क्या है, चलो ऐसे ही रखेंगे. मैं सोचता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए.
द इंडिफिनिट आर्टिकल जो इंडिफिनिट आर्टिकल ए है या एन है इज यूज्ड विथ वर्ड्स लिटिल एंड फ्यू, यानी कि हम जब हम लिटिल या फ्यू लिखेंगे वहाँ हमें ए या एन उनके साथ ज़रूर लिखना है। ए लिटिल वाटर, ए फ्यू स्टूडेंट्स। इसी तरह द इंडिफिनिट आर्टिकल ए आर एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एवरी, यानी कि ये एवरी दिखा रहा है हर कोई। मिसाल के लिए 3000 ए मंथ, यानी कि हर मंथ में 3000, हर 20 रुपीज़ ए डजन, या 10 रुपीज़ ए किलो, 3 टाइम्स ए ईयर। ये ऐसे ही मतलब हम इनको भी फ्रेजेस कहेंगे, ये इकट्ठे होते हैं। द इंडिफिनिट आर्टिकल ए आर एन इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंस, ये कभी कभी हम एक्सप्लेन हैरानी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ाए पढ़े हैं वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, व्हाट ए फूलिश बॉय, ए हम यहाँ यूज़ करते हैं ए फूलिश बॉय हैरानी के लिए, व्हाट ए नाइस किड, व्हाट ए क्लेवर गर्ल, ये हैरानी के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम इनको यूज़ करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड विथ यूनिक थिंग्स इन नेचर, जो यूनिक होंगे जो पर्टिकुलर होंगे जो स्पेसिफिक होगा। मिसाल के लिए द सन, द सी, द स्काई, द मून, द अर्थ। हाँ, अब डेफिनेट आर्टिकल द है, अब हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। नंबर वन आपको याद रखना है बिफोर सुपरलेटिव्स, आपने पढ़े हो ये, शायद मैंने भी पढ़ाई आपको पाई टू कंपेरेटिव, हाँ मैंने आपको एडवर्ब भी पढ़ाए थे, पाई टू कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। रॉम इज एक होता है टाल, टाला, टालेस्ट, यहाँ है टालेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, टालेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि सबसे बड़ा, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे उससे पहले हमें द लिखना होता है। इसी तरह बिफोर एडजेक्टिव्स, अगर हम एडजेक्टिव लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जिनको आप सिफत कहते हैं उर्दू में, जो क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, उससे पहले भी हमें लिखना है। मिसाल के द रिच विल सर्व द वाइज, द रिच है एडजेक्टिव, यानी कि अमीर लोग, उनसे पहले हमें द लिखना होता है। बिफोर एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब आपको मैंने कहा है वो वर्ड होते हैं जो हर किसी पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड को ऐड करते हैं, खालिस नाउन और प्रोनाउन को नहीं, क्योंकि मैंने ये भी कहा है कि जो नाउन और प्रोनाउन को ऐड करते हैं इनको एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के लिए द बेटर यू थिंक, बेटर यहाँ खुद एडवर्ब है इसलिए द बेटर यू थिंक, द वाइजर यू विल बिकम, वाइजर यहाँ एडवर्ब है और इसीलिए द इससे पहले। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ खास नेम, सम हर हमेशा नहीं, मैंने कहा सम। द वेस्ट, अब आपको ये याद रखने हैं, इसके भी अपने रूल्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। द वेस्ट इंडियाज, द एल्प्स, द गोदावरी, द यूनाइटेड किंगडम, फिर हमें देखना है किनके के साथ होगा किनके साथ नहीं होगा वो अलग पढ़ेंगे हम। बिफोर द नेम्स ऑफ द होली बुक्स, द वेदास, आपको मालूम है वेदा रिलीजियस बुक हैं, बाइबल भी रिलीजियस बुक हैं, द रामायण भी रिलीजियस बुक है एटसेट्रा, द होली कुरान। बिफोर द नेम्स ऑफ द यूनिक थिंग्स, जो यूनिक होगी जो एक ही होगी, मिसाल द अर्थ, अर्थ तो एक ही है, द सन, सन तो एक ही है, द मून, मून तो एक ही है, द एयर, हवा तो एक ही है। अब हम देखेंगे ए और एन, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ अब हमें प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अब हम लाइव आएंगे, यानी कि आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएंगे, हम स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, आप डायरेक्ट हम पढ़ाएंगे, मगर उससे आपको मुझे लग रहा है इंटरेक्शन होगी। मेरा तारुफ भी इसी तरह आपको होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं सर अपना तारुफ कराओ, तो कराएंगे, कोई बात नहीं है, मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा और फिर खुद ही आऊंगा, आपको अपना चेहरा भी दिखाएंगे, कोई बात नहीं है। ए एन, ए बुक, ए होता है इस्तेमाल मिसाल के आपको मैंने कहा है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, अब यहाँ खुद देख सकेंगे ये बहुत आसान है, ए किस किस के साथ। हाँ, अब यहाँ आपको ये वाला देखना है क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ ये वावल है, मगर ये वावल अल्फ़ाबेट है, मगर साउंड्स तो इनके कॉन्सोनेंट साउंड्स है। ए यूरोपियन, इसको यूरोपियन नहीं कहते हैं, ए इसको यो यो यो,
ये यूरोपियन जो ये साउंड हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, जो मैंने आपको जो जे जैसे लिखते हैं हम, ए यूनियन यो, ए यूजफुल यो, ए यूनिवर्सिटी यो, ए यूनियन ए वन वो 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 डब्ल्यू जैसे मैंने आपको कहा वो, ए वन आईड कॉइन, ए वन रुपये कॉइन, यानी कि आपको ये याद रखने हैं। इसी तरह एन आपको मालूम है कॉन्सोन ये वाउल से पहले हम लिखते हैं, अब ये भी खुद देखेंगे ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। अब खाली से हाँ आपको याद रखना है एन ऑनेस्ट मैन, हम हॉनेस्ट मैन नहीं कहते हैं, एन आवा हम हावर नहीं कहते हैं, तो बाकी तो आप खुद देखेंगे ये बहुत आसान है, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा बनता है तो फिर लड़के कहते हैं सर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अब हर किसी का अंदर कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, क्योंकि हर किसी की सजेशन ऐसी ही होती है। अब द का इस्तेमाल होता है, द इज यूज टू डिनोट यूनिक थिंग्स, जो यूनिक होंगे एक ही होगा, मिसाल के लिए द स्काई द अर्थ द सन द मून, द इज यूज टू डिनोट पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग्स पर्टिकुलर खास, द बॉय यानी कोई खास लड़का, यू मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, जो आपको कल मिला था वही मेरा दोस्त है, यानी कि वो एक लड़का जो आपने देखा था कल। That is used to denote persons or things mentioned again. मिसाल अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं फिर उसका नाम हम फिर से लेंगे, जब हम दूसरे बार तीसरे बार उसका नाम लेंगे तो उस वक्त हम द इस्तेमाल करते हैं। द बॉय आई मेट ए सॉरी आई मेट ए बॉय, आई मेट ए बॉय, द बॉय इज इंटेलिजेंट, यानी कोई लड़का मुझे मिला था वो लड़का इंटेलिजेंट था। आई मेट ए बॉय यानी कोई लड़का मुझे मिला है, द बॉय इज इंटेलिजेंट, वही लड़का जो मुझे मिला वही बहुत काबिल हैं। द इज़ यूज टू डिनोट पर्सनज आर थिंग्स अंडरस्टूड फ्राम द कंटेक्स्ट, यानी कि ये हमें कंटेक्स्ट मैंने आपको बार बार कहा है, बार बार मैंने आपको कहा है कि जो इंग्लिश है यहाँ वर्ड का इंडिविजुअल मीनिंग नहीं होता है या कंटेक्स्ट मीनिंग होता है, जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं वहीं इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। वी सेट इन द गार्डन, इन द गार्डन हेयर मीन्स इन आवर हाउस, यानी कि द गार्डन विच इज़ बिलोंग्स टू आवर हाउस, ये पर्टिकुलर गार्डन है आपके मकान का गार्डन, ये हर कोई गार्डन नहीं है पर्टिकुलर खास। द इज यूज टू डिनोट सिंगुलर नाउन्स, जो अब मैंने आपको पहले ही कहा है डिनोटिंग द होल, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, यानी कि जब हम द इस्तेमाल करेंगे तो ये होल दिखाएगा सब, फिर हमें प्लूरल नहीं लिखना है, हम ऐसे ही लिखते हैं रोजेज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, यानी कि रोजेज तमाम गुलाब, अब अगर हम ऐसे लिखेंगे द रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ द रोज का मायने है ऑल द रोजेज, ये मगर ये याद रखना है आपको, फिर प्लूरल नहीं लिखना है, द रोज नहीं लिखना है, द रोज का मायने हियर है रोजेज, मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। द इज यूज टू डिनोट नेम ऑफ रिवर्स आर सीज, ये रिवर्स और सीज के साथ भी होता है इस्तेमाल, ये आपको याद रखना है। द नाइल द पेसिफिक ओशन, द इज यूज टू डिनोट प्रॉपर नाउन, द इज यूज टू डिनोट प्रॉपर नाउन, यूज इट एज कॉमन नाउन, जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन एज इस्तेमाल करेंगे, कोई खास उसको हम आम के लिए इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के लिए हम आम कहते हैं कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास जो था वो जो मतलब शेक्सपियर की इंपॉर्टेंस थी ब्रिटिश में वही कालिदास की है हिंदुस्तान में, हम कहेंगे ही इज द इकबाल ऑफ कश्मीर, ही इज़ द कीटस ऑफ कश्मीर, यानी कि जो कीटस में कॉलेज थे जो डॉक्टर इकबाल में कॉलेज थे वो उसमें है, यानी कि पर्टिकुलर को हमने जनरल में चेंज किया है। द इज़ यूज टू डिनोट सुपरलेटिव डिग्रीज, ये हमने पहले भी पढ़ा था सुपरलेटिव द बेस्ट द टॉलेस्ट, यानी कि जो तीसरा कंपरेटिव होता है पार टू कंपरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। द इज़ यूज टू डिनोट एडजेक्टिव यूज इज नाउन, ये मैंने आपको पहले भी कहा है, जब हम किसी एडजेक्टिव को एज नाउन में चेंज करेंगे, यानी कि आपको मालूम है रिच पुअर नीडी ये तो एडजेक्टिव्स हैं, जब हम इनके साथ द इस्तेमाल करेंगे तो ये नाउन में बदलते हैं, मिसाल द रिच, यहाँ द रिच का माने हैं द रिच पीपल, द नीडी का माने हैं गरीब लोग, द पुअर का माने हैं गरीब लोग। द इज़ यूज टू डिनोट डबल कंपरेटिव, अगर हमें डबल कंपरेटिव करना है तो हम द का इस्तेमाल करेंगे, मिसाल द मोर दे स्पीक द लेस दे डू, यानी कि कंपेयर हमने दो क्लास को किया है आपस में।
द इज़ यूज टू डिनोट डायरेक्शन, अगर हमें डायरेक्शन दिखानी होती है, आपको मालूम है कि डायरेक्शन चार है, तो वो मतलब स्पेसिफिक है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। आपको मालूम है कि न्यूज़ का मायने क्या है, एन ई डब्ल्यू एस, कभी आपने सोचा है? बहुत सारों ने सोचा मत होगा। एन माने नॉर्थ, ई माने ईस्ट, एन ई डब्ल्यू, डब्ल्यू मीनस वेस्ट, एस मीनस साउथ, यानी कि इसमें फोर डायरेक्शन है न्यूज़ में। हाँ, इसी तरह द इज़ यूज टू डिनोट न्यूज़ पेपर्स, अगर हमें न्यूज़ पेपर के नाम कहने होंगे तो हम उसको द इस्तेमाल करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द ग्रेटर कश्मीर, द उकाब। द इज़ यूज टू डिनोट द नेम्स ऑफ कंट्रीज, अगर हमें कंट्रीज के नेम कहने होंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। फिर हमें देखना है किस किस कंट्री के साथ ही इस्तेमाल होगा, वो मैं अलग से आपको पढ़ाऊँगा इन डिटेल। यहाँ थोड़ा याद रखो, द इज़ यूज टू डिनोट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी कोई, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। द इज़ यूज टू डिनोट हिस्टोरिकल इवेंट्स, अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स होगी, द रेनेसांस, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कुछ हिस्ट्री में कोई वाक़ा हुआ होगा। द इज़ यूज टू डिनोट, वन सेकेंड, द इज़ यूज टू डिनोट हिस्टोरिकल इवेंट्स, द इज़ यूज टू डिनोट वेल नोन बुक्स, जो मैंने आपको पहले ही भी कहा है, जो अच्छी किताब होंगे, द बाइबल, द कुरान, द वीदाज, होली बुक्स या अच्छे हम कहेंगे इनको। द इज़ यूज टू डिनोट ट्रेनस, शिप्स, एयरप्लेन्स, जब उनका नाम होगा, ट्रेन नहीं, जब उनका नाम होगा, द विक्टोरिया, द इंडियन एक्सप्रेस ट्रेन, द कोई भी होती है ना एक्सप्रेस वाली, द झेलम एक्सप्रेस। द इज़ यूज टू डिनोट नेशनलिटीज, सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज, जब हम किसी की नेशनलिटी कहेंगे, यानी कि वो हिंदुस्तान का, द इंडियन, द कश्मीरी, उस वक्त हम, या किसी के सेक्ट्स, द मुस्लिम्स, द सिक्स, द पीर्स, द मीर्स। तो मुझे लग रहा है कि आप इतना ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के फिर यही कहते हैं सर शॉर्ट में होनी चाहिए वीडियोज़, अब मैंने यही फैसला किया है हम शॉर्ट में रखेंगे, क्योंकि फिर आप बोर होते हैं। फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि अब आपको मालूम है कि ये चैनल किसके लिए है, इसका पर्पज़ क्या है, आपने खुद भी देखा है। जो नए हैं तो उनके लिए ये काफ़ी है, वो खुद ही देखेंगे किसके लिए है, अब मुझे कहना नहीं है बार बार। तो उनको ये सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर आपको लगा ये दबाना है बेल आइकन, क्योंकि उससे आपका क्या होता है, फिर आप इजीली वो देख सकेंगे। इसी तरह ये चैनल हैं, जब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ आपको लिखना है सलीम सर एकेडमी SSA, तो फिर आपको यहाँ सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आई होप दैट यू विल डू दिस इज सफिशिएंट, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। ओके, गुड बाई।